हेलो एवरीवन, तो चलिए आज हम बनाते हैं हम सभी की फेवरेट रस मलाई एकदम मार्केट स्टाइल घर पर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमको सबसे पहले छेना बनाना है। छेना बनाने के लिए हम लेंगे दूध, मैं यहाँ पे 1/2 लीटर दूध यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद हम अपना चाइनीज़ फूड में जो हम अपने घर में वाइट विनेगर यूज़ करते हैं उसको लेंगे 2 स्पून, और 2 ही स्पून उसमें हम वाटर ऐड करेंगे। हम डायरेक्ट तो अपना विनेगर नहीं डाल सकते हैं। उसके बाद हम एक उबाल आने तक अपना दूध बॉईल करेंगे और उसमें धीरे धीरे 1-1 स्पून अपना विनेगर डाल के छेना बनने के लिए अपने दूध को फाड़ेंगे। हमको एकदम पनीर नहीं बनाना है, हमको इसका केवल छेना बनाना है। उसके बाद जब ये एकदम से दूध और इसका छेना अलग हो जाएगा तो हम इसको एक कपड़े में, साफ कपड़े में छान के जितना हमारे हाथ से पानी निकल पाएगा हम उसको उतना निकाल लेंगे एक्स्ट्रा वाटर। और इसमें जो विनेगर का टेस्ट है उसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ठंडा पानी या नॉर्मल वाटर जो होता है उसको इसके ऊपर 2-3 बार डाल के मिक्स कर लेंगे, तो इसमें से छेने का टेस्ट एकदम से निकल जाएगा। उसके बाद हम एक दूसरे पैन में फिर से दूध लेंगे, हमको इसका मिल्क बनाना है रसमलाई का। उसमें हम थोड़ा सा पिस्ताशियो, आमंड, एंड मैं 1/2 कप चीनी यूज़ कर रही हूँ 1/2 लीटर दूध में, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको हमें 10 से 15 मिनट तक बॉयल करना है और साइड में ठंडा होने के लिए रख देना है। इसके बाद हम चाशनी बनाएंगे। चाशनी बनाने के लिए हम 1 कप चीनी और 2 से 3 कप तक पानी लेंगे और उसको बॉयल होने के लिए रख देंगे। उसके बाद हमने जो छेना साइड में रखा था उसमें 1/2 स्पून तक कॉर्नफ्लावर मिला के अच्छे से 5-7 मिनट के लिए अपने पाम से उसको रगड़ के रसमलाई के शेप में छोटा छोटा बॉल्स बना लेंगे और अपने सिरप में डाल देंगे। उसके बाद इसको हम एकदम हाई फ्लेम पे 15 से 17 मिनट के लिए रख देंगे पकने के लिए। तब तक हम एक दूसरे बोल में बर्फ़ का पानी, बर्फ़ लेंगे ढेर सारी और उसमें पानी डाल के अपने फ्रिज में रख देंगे, क्योंकि गर्मी बहुत है तो बर्फ़ पिघल के पानी एकदम ठंडा हो जाएगा। 15-17 मिनट के बाद हम अपना छेना देखेंगे तो वो डबल से ट्रिपल साइज में हो जाएगा। उसको हम निकाल के गर्म ही अपने बर्फ़ वाले पानी में डालेंगे थोड़ी देर के लिए और उसमें से उसका एक्सेस वाटर निकालेंगे और अपने मिल्क जो हमने बनाया था उसमें डालेंगे, तभी हमारा मिल्क एब्जॉर्ब कर पाएगा। अगर हमने उसमें से पानी नहीं निकाला तो उसमें पानी ऑलरेडी भरा रहेगा तो हमारा मिल्क हमारे छेने में एब्जॉर्ब हो ही नहीं पाएगा, तो हमारी रसमलाई में उसका दूध नहीं जा पाएगा। उसके बाद हम इसको ठंडा करेंगे जितना ठंडा आपको करना है। उसके बाद इसको एक प्लेट में आप सर्व करिए, उसके ऊपर थोड़ा सा आमंड एंड पिस्ताशियो डाल लीजिए। ये इस प्रोसेस से एकदम हमारी मार्केट स्टाइल रसमलाई बनकर तैयार होगी। जैसे उसमें एकदम मिल्क अच्छे से एब्जॉर्ब होता है, हम उसको निकाल भी देते हैं फिर से उसको मिल्क में डालते हैं तो फिर से वो एकदम अच्छे से वैसे ही फूल जाती है। सो थैंक यू everyone, डू ट्राई दिस रेसिपी एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल।